अपना लाइफ कभी अप कभी डाउन। ड्रग्स लिया, महंगे होटलों में भी रहा और जेल में भी। घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी। 308 गर्लफ्रेंड्स थी और एक AK-56 राइफल। देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आगे संजय दत्त यानी संजू बाबा की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत उन्हीं से जिन्होंने संजय को जन्म दिया, उनकी माँ नरगिस। वो नरगिस जो मदर इंडिया में गलत काम करने वाले अपने बेटे बिरजू को गोली मार देती हैं, लेकिन ये पर्दे की बात थी। 29 जुलाई 1959 को संजय के पैदा होने के बाद नरगिस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका दुलारा बेटा जिंदगी भर किन किन आड़े तिरछे रास्तों से गुजरेगा। नरगिस और सुनील दत्त का बेटा संजय। फिल्म्स डिवीजन की डॉक्यूमेंट्री में जब माँ नरगिस संजू को तैयार कर चूमती तो वो शर्मा कर मुंह छिपा लेता है। छोटा संजू कैमरे की तरफ नहीं देखता था, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने जिंदगी भर कैमरे के सामने रहना चुना। एक टीवी शो में संजय दत्त की आपा जाहिदा ने एक किस्सा सुनाया। संजय दिल का बहुत अच्छा रहा। एक बार नरीमन पॉइंट पर ड्राइवर कासिम भाई ने सड़क पर गाड़ी के पास बार बार घूमते एक बच्चे को तमाचा लगाया तो गाड़ी से घर लौटते हुए संजू खूब रोया। हमें गाड़ी वापस लेनी पड़ी। उस बच्चे को दूध की बोतल दिलाई, तब संजय चुप हुआ। एक रेडियो इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था कि संजय के पैदा होने के बाद मैं जब शूटिंग के लिए जाती तो वो रोने लगता। स्टूडियो में मैं भी फिक्रमंद रहती थी कि वो ठीक तो होगा, इसलिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। सुनील दत्त एक किस्सा कई बार सुना चुके हैं। एक बार कश्मीर में मजाक में उन्होंने संजू को सिगरेट पकड़ाई तो वो पूरी सिगरेट पी गए, जिसको देखकर वो हैरान रह गए। संजू तब 10 के भी नहीं हुए थे। घर पर सुनील दत्त से मिलने प्रोड्यूसर्स या दोस्त आते, जो सिगरेट ये लोग पीकर फेंक देते थे, संजय उन्हीं बची हुई सिगरेटों को उठाकर छिप कर पीते। संजू को बिगड़ता देखकर उन्हें मुंबई के कैथेड्रल स्कूल से निकालकर हिमाचल प्रदेश के मशहूर बोर्डिंग स्कूल सेंट लॉरेंस भेज दिया गया। संजय के अगले कुछ साल वहीं बीते। संजय को बचपन में म्यूजिक का शौक था। वो स्कूल के बैंड में सबसे पीछे ड्रम बजाते हुए चलते थे। उनकी बहन प्रियादत्त ने एक टीवी शो में बताया था, संजय को सिर्फ एक ही तरह का स्कूल ड्रम बजाना आता था। सुनील दत्त ने फारूक शेख को दिए एक टीवी इंटरव्यू में किस्सा सुनाया था। 1971 के युद्ध के बाद जब भारतीय कलाकार परफॉर्म करने बांग्लादेश जाने वाले थे तो संजय भी जिद करने लगे। जब सुनील दत्त ने कहा कि वहां वो कलाकार जाएंगे जो कुछ बजा या गा सकें, इस पर संजय ने कहा, मैं बोंगो बजाऊंगा। हारकर संजय को भी ले जाया गया। स्टेज पर लता मंगेशकर गाना गा रही थी। गाते हुए अचानक लता रुक गई और मुड़कर देखा कि बोंगो गलत बज रहा था। इसके बाद लता उन्हें नजरअंदाज कर गाती रही। 1977 में संजय लॉरेंस स्कूल से 18 बरस की उम्र में घर लौटे। यही दौर था जब संजू ड्रग्स की अंधेरी गलियों में मुड़ गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने कमरे में बंद रहते थे। नरगिस को शायद अंदाजा था कि उनका बेटा ड्रग्स लेने लगा है, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र सुनील दत्त से नहीं किया। संजय ने तय कर लिया था कि वो फिल्मों में करियर बनाना चाहते हैं। वैसे संजय बड़े पर्दे पर पहली बार 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म में बाल कलाकार की तरह दिखे थे। बहरहाल सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई। जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने रॉकी फिल्म में संजय को बतौर हीरो लिया और टीना मुनीम को हीरोइन। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। जब रॉकी की शूटिंग चल रही थी, उसी दौर में पता चला कि नरगिस को कैंसर है। इलाज के लिए सुनील दत्त उन्हें अमरीका ले गए। 2 महीने कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा, संजय कहाँ है? अस्पताल में सुनील दत्त नरगिस की आवाज रिकॉर्ड किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे संजू के लिए ऑडियो मैसेज अस्पताल में रिकॉर्ड किया था। कुछ वक्त बाद तबीयत कुछ ठीक होने पर नरगिस भारत लौट आई। संजय की पहली फिल्म की शूटिंग जोरों पर थी। नरगिस ने सुनील दत्त से कहा था, चाहे जैसे करिए, मुझे मेरे बेटे की फिल्म प्रीमियर में जाना है, स्ट्रेचर हो या व्हीलचेयर, जो भी हो। सुनील दत्त ने सारी तैयारी कर भी दी थी। 7 मई 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था, लेकिन नरगिस की तबीयत फिर बिगड़ गई। उनका शरीर जवाब देने लगा। 3 मई 1981 को नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया, यानी रॉकी के प्रीमियर से 4 दिन पहले। फिल्मी पर्दा हो या जिंदगी,
किसी के आने या जाने से कहानियां रुकती नहीं हैं। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ की मौत के बाद वो बिल्कुल नहीं रोए थे। सिमी गरेवाल को दिए गए इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया कि रॉकी के प्रीमियर के दिन सिनेमा हॉल में एक कुर्सी खाली रही। किसी ने आकर दत्त साहब से सीट खाली है पूछा। इस पर उन्होंने कहा था, नहीं, ये मेरी पत्नी की सीट है। रॉकी रिलीज हुई और लोगों को पसंद भी आई। नरगिस के गुजरने के बाद संजय दत्त टीना मुनीम और ड्रग्स दोनों के करीब आ गए। संजय दत्त ने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया, जितने भी तरह के ड्रग्स होते हैं मैंने सब लिए हैं। कहा जाता है कि 10 में से एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की लत होती है। ये लत खाने, जुआ खेलने, शराब पीने या ड्रग्स लेने की भी हो सकती है। मैं इन 10 में से एक था। ड्रग्स लेना एक तरह की बीमारी है। उन्होंने बताया कि एक ड्रग एडिक्ट को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन डैड ने मुझे स्वीकार किया। वो प्रोड्यूसर्स को फ़ोन कर कहते थे कि तुम मेरे बेटे को लेने से पहले सोच लो, वो ड्रग्स लेता है। संजय दत्त ने एक टीवी शो में बताया था कि एक दिन सुबह मेरी आँख खुली, पास में एक नौकर खड़ा था। मैंने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। ये सुनकर उसकी आँखों में आंसू आ गए। मैंने वजह पूछी तो बोला, आप 2 दिन बाद सोकर उठे हैं। मैंने शीशा देखा तो चेहरे पर सूजन थी, बिखरे बाल थे। मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा। मैं डैड के पास गया और बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। डैड ने मुझे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। 1984 की शुरुआत में ड्रग्स की लत छुड़वाने के लिए सुनील दत्त उन्हें अमेरिका ले गए। यही वक्त था जब टीना से उनके रिश्ते टूट गए। अमेरिका में ड्रग्स रिहाब में संजय एक ग्रुप में बैठे थे, तभी एक लड़के ने अचानक नरगिस का रिकॉर्ड मैसेज प्ले कर दिया, जो प्यारे बेटे संजू के नाम था। मैसेज था, किसी भी बात से ज्यादा संजू अपनी विनम्रता और चरित्र बचाए रखना, कभी दिखावा मत करना, हमेशा विनम्र रहना और बड़ों की इज्जत करना। यही एक बात होगी जो तुम्हें दूर तक ले जाएगी, ये तुम्हें तुम्हारे काम में भी मदद करेगी। वो बताते हैं, मॉम की आवाज़ सुनी तो मैं घंटों रोया। मॉम के मरने के 2 साल बाद ये सुनकर मैं 4-5 घंटे तक रोया। जब आंसू रुके तो मैं बदला हुआ था। संजय दत्त ने भारत लौटते ही खुद को दोराहे पर पाया। 9 महीने बाद भारत लौटे तो मेरे घर पहुंचने के बाद जो पहला शख्स मुझसे मिलने आया वो एक ड्रग पेडलर था। मेरे पास 2 रास्ते थे, पहला मैं ड्रग्स ले लेता, दूसरा मैं इनकार कर देता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। इलाज के लिए 9 महीने अमेरिका में रहे संजय ने तय कर लिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे और बिजनेस करेंगे। लेकिन तभी पप्पू वर्मा ने जान की बाजी फिल्म के लिए संजय दत्त को साइन कर लिया। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई। संजय दत्त का अमेरिका जाना टल गया। संजय दत्त की जिंदगी में एक सुहाना मोड़ आया 1986 में रिलीज हुई महेश भट्ट की फिल्म नाम के साथ। फिल्म के गानों के बोल भी कुछ वैसे ही थे जैसे उन्हें अमेरिका जाने से रोकने के लिए लिखे गए हों। तू कल चला जाएगा, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। कई मोहब्बतों के बाद संजय दत्त का दिल ऋचा शर्मा पर जा टिका। वो देवानंद की खोज थी। वो मिलने लगे और एक दूजे के करीब आ गए। 1987 में उन्होंने शादी की और अगले ही साल एक बेटी हुई, त्रिशला। लेकिन अचानक ऋचा के सर में दर्द होने लगा। डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला ब्रेन ट्यूमर है। इलाज के लिए ऋचा और त्रिशला अमेरिका शिफ्ट हो गईं। नाम की कामयाबी के बाद फिल्में लगातार फ्लॉप होती रहीं, लेकिन माधुरी दीक्षित और सलमान खान के साथ की 1991 में आई फिल्म साजन ने धूप मचा दी। इस बीच संजय दत्त और ऋचा के बीच दूरियां बढ़ गईं। माधुरी दीक्षित के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा। अब तक की कहानी दत्त परिवार के कई पुराने ऑडियो वीडियो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्री पर आधारित थी, लेकिन संजय दत्त से जुड़े सबसे अहम और स्याह पन्ने अभी पलटने बाकी हैं। 1993 में संजय आतिश की शूटिंग के लिए मॉरिशस गए हुए थे। भारत में 1993 में हुए बम धमाकों की जाँच चल रही थी। समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला ने पुलिस को बताया कि संजय के पास AK-56 राइफल थी। संजय जब मुंबई लौटे तो उन्हें आतंकवाद निरोधक कानून टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय में यासिर उस्मान लिखते हैं, संजय ने पुलिस को बताया कि फिरोज खान की यलगार फिल्म की शूटिंग के दौरान दुबई में उनकी मुलाकात दाऊद और इनीस से हुई थी। संजय ने अबू सलीम, हनीफ और समीर से 3 AK-56 ली थी, लेकिन 2 AK-56 बाद में लौटा दी। सुनील दत्त को ये यकीन नहीं हो रहा था कि संजय ऐसा कैसे कर सकते हैं।
तहलका मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बेटे से पूछा कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। इसके जवाब में संजय दत्त ने कहा, मेरी रगों में मुस्लिम खून दौड़ रहा है, शहर में जो हो रहा है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजय दत्त ने कथित तौर पर इस बात को स्वीकार किया था कि जब मुंबई बम धमाके हुए तब वो विदेश में थे और उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ नलवाला से उस राइफल को नष्ट करने के लिए कहा था। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान संजय अपने बयान से पलट गए। संजय के हथियार रखने की वजह 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगे भी थे। ऐसा दावा करने वालों में एस हुसैन जैदी भी हैं। माय नेम इज अबू सालिम किताब में जैदी लिखते हैं, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में भीषण दंगे हुए। सुनील दत्त ने घायलों के धर्म की परवाह किए बगैर लोगों की मदद की। संजय भी बढ़ चढ़ कर आए। कुछ लोगों को ये बात जमी नहीं। कुछ उग्रपंथी संगठनों ने दत्त परिवार को गालियां और धमकियां देना शुरू की। कुछ जगह सुनील दत्त पर हमले भी हुए। संजय इन फोन कॉल से परेशान आ चुके थे। फिल्मी हीरो को लगा कि असल लाइफ में हीरो बनने का वक्त आ गया है। संजय को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा लेकिन वो बेल पर बाहर आ गए। फिल्म अफवाहों वाली पत्रिकाओं में जहां कभी माधुरी संजय के रिश्ते बनने की खबरें छपती थीं, अब उनमें दोनों के रिश्ते के टूटने की खबरें छपने लगी। संजय के जेल जाने का जिस एक आदमी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा वो थे सुभाष कई। खलनायक 1993 की बड़ी हिट रही। यही वो साल था जब संजय की मुलाकात मॉडल रिया पिल्लई से हुई। एक साल तक जमानत पर रहने के बाद जुलाई 1994 में संजय को फिर जेल जाना पड़ा। इस बार सीधा अंडा सेल, वो जगह जहां सबसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। आज से कुछ साल पहले संजय की अपनी बहन प्रिया दत्त से अनबन की खबरें थीं, लेकिन जेल के दिनों में दत्त भाई बहनों के बीच का किस्सा फारूक शेख के शो जीना इसी का नाम से दुनिया ने जाना। प्रिया दत्त ने इसी शो में बताया था, रक्षाबंधन में हम जेल में गए तो डैड ने कहा राखी बांधो। संजू ने भारी मन से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन ये कूपन मैंने बचाए हुए हैं। ये कूपन जेल में चाय खरीदने के लिए मिलते थे। प्रिया ने 1998 में कहा था, संजय वो कूपन मेरे पास अब भी है। सिमी गरीवाल के शो रेंदवू में संजय ने जेल के दिनों का एक किस्सा सुनाया था। संजय ने कहा, जेल में डैड मिलने आते थे, कहते कल हो जाएगा बेटा, कल हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 महीने चलता रहा। एक दिन डैड जब आए और बोले कल हो जाएगा बेटा, तो मैं चिल्ला पड़ा, डैड कब हो जाएगा। ये सुनकर डैड ने मेरा कॉलर पकड़ा और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर बेटा, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। यासिर उस्मान किताब में लिखते हैं कि जब सुनील दत्त को तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली तो वो बाला साहब ठाकरे के पास गए। ठाकरे ने खुलकर संजय का बचाव किया और कहा कि दत्त परिवार का कोई भी सदस्य देशद्रोही नहीं है। संजय का साथ देने वालों में शत्रुघ्न सिन्हा भी रहे। ये इन्हीं ठाकरे की शिवसेना थी जो एक वक्त में संजय दत्त की फिल्मों का जमकर विरोध कर रही थी। जेल जाने के 15 महीने बाद संजय को राहत मिली। अक्टूबर 1995 में माथे पर टीका लगाए, सफेद कुर्ता पहन संजय जेल से बाहर आए। उनकी रिहाई के 2 महीने बाद दिसंबर 1996 में ऋचा शर्मा ने आखिरी सांस ली। रिया पिल्लई से उनकी नजदीकियां और बढ़ने लगी। रिया से 1998 में संजय ने शादी कर ली। 1999 में उनकी फिल्म वास्तव हिट रही और इन्हें बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवार्ड मिला। साल 2000 में ऐसे ऑडियो सामने आए जिनमें संजय दत्त छोटा शकील से बात करते हुए सुनाई दिए। ये ऑडियो इंटरनेट पर आज भी मिल जाएंगे। यासिर उस्मान अपनी किताब में लिखते हैं, सीबीआई इन कॉल्स को रिकॉर्ड कर रही थी। 2002 में इन्हें सबूत की तरह पेश किया गया। मुंबई के ठावनपाली हिल के जिस बंगले में नरगिस ने एक घर बसाया था, उस घर का हर सदस्य अब अलग अलग रहने लगा था। साल 2003 में संजय दत्त को एक ऐसी फिल्म मिली जिसने उनकी छवि पर शानदार रोगन का काम किया। मुन्ना भाई MBBS में सुनील दत्त ने संजय के पिता का रोल किया था। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। 2 साल बाद 2005 में सुनील दत्त ने आखिरी सांस ली। एक बाप और पति जिसने अपनी सांसों का एक बड़ा हिस्सा दत्त का रिश्ता निभाने में गुजारा। रिया से संजय का रिश्ता 2008 तक चला। इसके बाद संजय मान्यता प्राप्त हो गए। मान्यता यानी दिलनवाज शेख, जिन्होंने प्रकाश झा की फिल्म गंगाजल में अल्लड़ मस्त जवानी आइटम सॉन्ग में डांस किया और चर्चा में आई। संजय के मान्यता तो करीब आई लेकिन बहनें प्रिया, नम्रता और जीजा दोस्त कुमार गौरव दूर हो गए। संजय मान्यता की शादी में दोनों बहनें शामिल नहीं हुई लेकिन 2010 में जुड़वा बच्चों इकरा और शहरान को मान्यता ने जन्म दिया। दोनों बुआओं का गुस्सा कुछ कम हुआ लेकिन 1993 के दाग अब भी संजय के दामन पर थे। 2006 में जिस मुन्ना भाई ने लोगों को गांधीगिरी सिखा दी थी, अभी उसके हिंसा के हथियारों को पकड़ने की सजा बाकी थी।
2007 में टारा कोर्ट का फैसला आया कि संजय आतंकवादी नहीं है, लेकिन उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। संजय जेल गए लेकिन जल्द ही जमानत पर बाहर आ गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सजा घटाकर 5 साल कर दी। संजय मई 2013 को जेल गए और फरवरी 2016 में अच्छे व्यवहार के आधार पर संजय को जेल से जल्दी रिहा करने का फैसला आया। फरवरी 2016 में संजय एक बार फिर माथे पर टीका लगाए बाहर आते हैं। जेल के अंधेरे से निकले संजय के लिए आखिरकार सुबह हो गई मामू, खासतौर पर अब जब संजय दत्त की जिंदगी पर एक फिल्म संजू बनी है। फिल्म में रणबीर कपूर संजय का किरदार निभा रहे हैं। ये वही रणबीर हैं जिनके पिता को एक जमाने में संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के साथ पीटने चले गए थे। वजह थी संजय की टीना से मोहब्बत। ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर लिखते हैं, एक दिन संजू और गुलशन ग्रोवर नीतू के अपार्टमेंट में गए। उन्हें शक था कि मेरे और टीना के बीच कुछ है। बाद में गुलशन ग्रोवर ने मुझे बताया कि संजय नीतू के घर मुझसे लड़ने आया था, लेकिन नीतू ने संजय को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, टीना और चिंटू के बीच कुछ नहीं चल रहा है। संजय ने अब तक करीब 130 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। समाजवादी पार्टी के पाले में रहते हुए राजनीति में भी हाथ आजमाया, इस वजह से बहन से मतभेद भी हुए। संजय दत्त की कारों का नंबर 4545 होता है। संजय इस उम्र में भी कुछ लोगों के लिए संजू बाबा ही हैं। ढलती उम्र में संजय दत्त ने जैसी बॉडी बिल्डिंग की है, सलमान भी शर्मा जाए। बाबा कहे जाने को कुछ मजबूती संजय के बदन पर गुदे संस्कृत टैटू के मंत्रों को देखकर भी मिल जाती है, जिनमें सुनील नरगिस का नाम भी है, ओम नमः शिवाय भी है और आग फेंकता ड्रैगन भी।